हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी ए सिंपल रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी चटाकेदार भेल। भेल बनाने के लिए हमें लगने वाली सामग्री है पफ्ड राइस, मुरमुरा जिसे मुरमुरा कहते हैं, और इसके साथ ही लगने वाली सामग्री है बारीक कटी प्याज, बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटा टमाटर, आधा नींबू, एक चम्मच चाट मसाला लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरी ऐसी ही आने वाली रेसिपियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो यहाँ मैंने मुरमुरों को पहले ही ड्राई रोस्ट कर लिया है और तभी इसमें मैंने हल्दी पाउडर मिक्स किया था, इससे टेस्ट इसका बड़ा अच्छा आता है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, फिर इसमें टमाटर डालेंगे और फिर मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम थोड़ा सा हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर और नमक और साथ ही चाट मसाला डालकर मिक्स करेंगे, और फिर आधे नींबू का रस, इमली की चटनी डालकर सब सामग्रियों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर से हम सेव डालेंगे, इसके बिना तो हमारी भेल अधूरी ही होगी। अब हम लास्ट में बचा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह हमारी चटपटी भेल बनकर तैयार है। देखिए, बनकर रेडी है ना, ठेले वाली भेल बिल्कुल। फ्रेंड्स, ऐसी ही अच्छी रेसिपियों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।